बहनों, हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर झ और ओ। झंडे की तरह लहराता ये अक्षर है झ, झ जिससे झंडा शब्द बनता है। आइए अक्षर झ कैसे बनता है देखें। बड़ी ईत तुम्हें याद ही होगी, वही ईख वाली, ये है बड़ी ई। देखा ना बड़ी ई को, इस बड़ी ई के ऊपर वाले चांद को तोड़कर यहां रख दो और इसे मिला दो झंडे वाले डंडे से, तो बन गया अक्षर झ। एक बार फिर देखो बड़ी ई, इसका ऊपर वाला चांद उठाकर यहां रखा और इसे मिला दिया झंडे वाले डंडे से, बन गया अक्षर झ। नमस्ते नमस्ते। क्यों बहनों, मेरी राह देख रही हो ना? मुझे भी तुम सब से मिलने का बड़ा इंतजार रहता है। तुम मेरी बहनों, आज हम लोग सीखेंगे अक्षर झ। हो सकता है देखने में तुम्हें थोड़ा मुश्किल सा लगे, पर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको लिखने के लिए ये छोटी सी लकी, फिर एक घूमी हुई लकी, फिर इसी के साथ एक और घूमी हुई लकी, उसके बाद बिंदी, और ये दुम वाली लकी, फिर इससे लगी हुई एक लेटी हुई लकी, ये खड़ा डंडा, और ऊपर वही छत वाली लकी। एक बार फिर देखें। देश की आजादी की लड़ाई में केवल मर्दों ने ही भाग नहीं लिया, इसमें उनका पूरा पूरा साथ औरतों ने भी दिया था। अब मैं तुम्हें दो मिसालें देती हूँ, अवध की बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन दोनों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में। फिर बहन जी, इस लड़ाई में कौन जीता? आजादी की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, ये लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और आजादी हमें मिली पूरे 90 साल बाद। अच्छा, कोई ये बताएगा कि आजादी हमें कब मिली? हाँ, 15 अगस्त 1947। शाबाश, 1947 शाबाश। इन महिलाओं का जीवन तो हमारे लिए एक आदर्श है, क्योंकि हमारे सामने भी एक लड़ाई है। हमें भी आज झांसी की रानी और बेगम हजरत महल बनना है। बहन जी, अब कौन सी लड़ाई है? देश तो आजाद भी हो गया। ये दूसरे तरह की लड़ाई है, अज्ञान और गरीबी के विरुद्ध। अरे बहन जी, ये लड़ाई जीतेंगे कैसे हम? पढ़ लिख कर, जो कि तुम आजकल कर रही हो। पढ़ने लिखने से जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तब गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। तो बहन जी, शिक्षा से गरीबी कैसे दूर हो सकेगी? जैसे कमला की हुई। हाँ देखो, तुम सब में वो सबसे गरीब थी और शादी भी हो चुकी थी उसकी। अब देखो कैसे अपने पैरों पर खड़ी है। तुम सब में से हर एक कमला बन सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई और हजरत महल की कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ, जरूर सुनाऊंगी, लेकिन आज नहीं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था उनकी कहानी तो हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जीवन तो हमारे लिए एक मिसाल है। ये तो याद है ना, अदरक जैसा दिखने वाला अक्षर अ। अब इस अक्षर अ के साथ अगर ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया अक्षर ओ।
मैं आई 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 आ गई। बहनों, जो अक्षर अब हम सीखने जा रहे हैं वो है छोटा ओ। तुम्हारा बहुत ही जाना पहचाना अक्षर है। देखो, ये गोला, एक और गोला, फिर ये एक लकी, उसके बाद खड़ा डंडा, एक और खड़ा डंडा, और फिर वही मात्रा वाली लकीर ऐसी, और छत वाली लकीर। बन गया अक्षर ओ, छोटा ओ। एक बार फिर, मर्दानी वो तो चाची वाली रानी थी, चाची वाली रानी थी भाई, खुबलड़ी मर्दानी वो तो चाची वाली रानी थी, चाची वाली रानी थी। मैं आज नहीं पूछूंगा दर्शन कि तू कहां गया था। भाई क्यों, मुझे पता है तू झांसी गया था। तैनू की में पता लग गया। हेलो, ये कौन सी मुश्किल बात है तेरे गाने से। ओ ए, तो मैं भूल ही गया थी भाई पढ़ता। झांसी जाकर मजा आ गया, अब तो पूरा शहर नया हो गया जी, मगर महारानी झांसी का किला वैसा ही है। झांसी के पास है ओरछा में महाराजा वीर सिंह का बनवाया हुआ किला। उसी में है जहांगीर महल, जो महाराजा वीर सिंह और जहांगीर की दोस्ती की याद दिलाता है। महल की दीवारों और छतों पर बनी सुंदर तस्वीरें अभी तक मन मोहती हैं। और दूर दूर तक फैली हैं किले की दीवारें। वहां की हर हर चीज हमें आज भी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानियां दोहराती हुई लगती हैं। अब तो ये जगह दो बातों के लिए मशहूर है। दो बातों के लिए मशहूर है, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से, दूसरी है कि लोग की रेल से उतर के सीधे खजुराहो के मशहूर मंदिर देखने जाते हैं। तू गया था वहाँ पर? नहीं जी, क्योंकि मैनू वापसी लई सामान मिल गया सी। इच्छा जरूर है, अगर दोबारा मौका मिला तो खजुराहो जरूर जाऊंगा। हाँ जरूर जाना, और तुझे भी साथ लाकर चलूंगा बंटा। क्यों नहीं। देखो ये झंडा कैसे लहराता हुआ ऊपर जा रहा है, पहचाना ना अपने देश के तिरंगे झंडे को। झंडा, झ झ पे बिंदी, ड आ झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा, झ झ पे बिंदी, ड आ झंडा, झ ओ बिंदी प ड ई झोपड़ी। गांव में बनी साफ सुथरी झोपड़ी भी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, झोपड़ी। इस तस्वीर को देखा, पहचान गए ना, झाड़ू, झ आ ड बड़े उ की मात्रा झाड़ू। ये तो सबके घर में होती है भाई, सफाई इसी झाड़ू से ही तो होती है, झाड़ू। सावन में झूला झूलने में कितना मजा आता है, लेकिन इस झूले पर कौन झूल रहा है? अरे भाई, ये तो झूला शब्द खुद ही झूल रहा है जो इन अक्षरों से मिलकर बना है। झ बड़े उ की मात्रा, ल आ झूला।
झूला झंडे की तरह लहराता ये अक्षर है झ, झ जिससे झंडा शब्द बनता है। आइए अक्षर झ कैसे बनता है देखें। बड़ी ई तो तुम्हें याद ही होगी, बड़ी ई के ऊपर वाले चांद को तोड़कर यहाँ रखो और इसे मिला दो झंडे वाले डंडे से तो बन गया अक्षर झ। ओ स ओस। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बाहर सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है, ये बारिश नहीं होती, इसे कहते हैं ओस। इसकी हल्की हल्की बूंदे पड़ती हैं और लगता है कि सब कुछ भीग गया। ओ स ओस। इस दरवाजे की ओट से क्या आया? अरे ये है ओट। ओ ट ओट। तुम लोग भी तो ओट में से झांक कर देखती हो, क्यों? घूंघट की ओट से ओ ट ओट। ये क्या है? ओखली। अ ओ की मात्रा, ख ल बड़ी ई की मात्रा, ओखली। ओखली भी अपने कितने काम आती है, धान वगैरह इसी में कूटते हैं ना। ओ ख ली ओखली। ओ स ओस। ओ ट ओट। झ प्लव की मात्रा, ल आ का डंडा, झूला। झ आ का डंडा, ल प्लव की मात्रा, झाड़ू। बहनों हमें आज सीखना है एक अक्षर ठ और छोटे ऊ की मात्रा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आपने मुझे बुलाया था मंजर साहब? जी हाँ, आपसे मिठाई खानी थी। मिठाई तो आपको जरूर मिलेगी जी, पहले आप इनसे मिलिए। ये है मेरे पति कमल। नमस्कार। ये कहीं बाहर गए थे? हाँ जी, पर कुछ दिनों के बाद ये भी यहीं आ जाएंगे। अच्छा? काम में मेरी मदद करने के लिए। अच्छा हुआ जो आपने हमसे इनकी मुलाकात करा दी। हाँ, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी था ना, क्योंकि बैंक में काम करने के लिए कल से तो यही आया करेंगे। अच्छा? मैनेजर साहब आप कृपा करके इनकी मदद कर दिया करना जी। हाँ हाँ जरूर, ये मेरे कर्तव्य है। अब आप बताइए मिठाई कब खाएंगे? वजह नहीं पूछेंगे आप? मेरे को मालूम है जी, मेरा दूसरा लोन भी मंजूर हो गया है। भाई आपकी स्कीम इतनी अच्छी थी, उसको तो मंजूर होना ही था। अच्छा तो अब ये बताइए चेक कब लेंगे आप? आप हमारे खाते में जमा करा दो। ठीक है, हो जाएगा। मंजर साहब एक विनती है आपसे। वो बात ये है ना कि मैं और ये थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं, पर ये जो बैंक और कारखाने का हिसाब किताब है ना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए जहाँ तक बैंक का हिसाब है तो उसकी चिंता आप ना करें, हम लोग है ना। अब रहा कारखाने का तो कुछ दिन मैं आपके साथ लग जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख ही लेंगे। धन्यवाद मैनेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते। 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 ये टमाटर वाला टा याद है ना? अरे ये ठक ठक किसकी आवाज है? ये हथौड़ा क्या कर रहा है? ठक 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 ठक। अरे इसने तो बना दिया अक्षर ठ।
ठक 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 बन गया अक्षर ठ। हा हा हा, आज तो बहनों मैं बड़े ठाट से आई हूँ। जी हाँ, और आज मालूम है कौन सा अक्षर लाई हूँ? वो है अक्षर ठ। ठ लिखना तो बहुत ही आसान है, तुम लोग हैरत में रह जाओगे कि ये कितना आसान है। तो बहनों देखो, छोटा खड़ा डंडा और डंडे से मिलाकर ये छोटा सा गोला पूरा गोला। ऊपर क्या है? वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखो, समझ आ गया ना? अक्षर ठ, ठाट, बाट वाला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्ते। अरे, ये उंगली में क्या पहना है? अ, अप बिंदी, ग, बड़े उ की मात्रा, ठ, बड़ी की मात्रा, ये है अंगूठी। उंगली में पहनी है अंगूठी। ठ, प, प, आ। प को आधा करने के लिए डंडा हटाया, बन गया ठप्पा। कमला के बारे में बता बेटा, वो कैसी? सब कुछ तो बता दिया अम्मा। अरे इतना काम करती है, बहुत दुबली हो गई होगी। गीता बहन जी के यहाँ पकवान खा खा के खूब मोटी हो रही है वो तो। चलो अच्छा है, कुछ सकल सूरत तो निकली होगी। अम्मा उसकी तो बोली भी समझ ना आवे, खूब गिट पिट बोला है वो। हाँ है ऐसे ना बोल बेटा, नजर लग जाएगी मेरी बहू को। हाँ अच्छा एक बात तो बता, मेरे बारे में कुछ कहे थी क्या? कह रही थी कि फौरन अम्मा जी को ले आओ। तूने तो एक बार भी नहीं कहा अम्मा चलवा। कैसे कहूँ, तू वहां जाकर फिर लड़ना शुरू कर देगी। हाँ हाँ, बावली जो हूँ मैं, सर पे मेरे सींग निकल आए हैं जो सारी दुनिया से लड़ती फिरूं। पहले भी तो लड़े थी ना बेटा, पहले तो मैं गुर्बत से लड़े थी। अरे पेट की मार बहुत बुरी होवे है बेटा, मैं उससे नहीं भूख से लड़े थी। रोटी की फिक्र मत कर, कमला अकेली ही इतना कमावे है कि 10-10 आदमियों को घर बिठा के खिला सके। चलो ये तो अच्छा हुआ, पर तेरा क्या होगा बेटा? मेरा तो काम लग भी गया अम्मा, कमला के संग ही काम करूंगा मैं, खूब अच्छी पगार मिलेगी। अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर जोरू से पगार लेगा बेशरम, अरे उसके साथ तो मुफ्त में काम करियो। ये सीटी तो आपको याद होगी। जी हाँ, इस सीटी से बनती थी बड़े ऊ की मात्रा। और अगर हम इस बड़े ऊ की मात्रा को उल्टा कर दें इस तरह, तो बन जाती है छोटे ऊ की मात्रा। ये है बड़े ऊ की मात्रा। बन गई छोटे ऊ की मात्रा। बहनों, अब जो मैं लेकर आई हूँ वो है छोटे ऊ की मात्रा। बहुत ही आसान है। छोटे ऊ की मात्रा को लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया? छोटा सा गोला और गोले से मिलाकर एक टेढ़ी लकीर, ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा।
एक बार फिर देखो। भुट्टा देखकर मुंह में पानी आ गया ना। भ छोटे ऊ की मात्रा, ट जिसके नीचे लट जैसी लकीर है, टा भुट्टा, ब छोटे ऊ की मात्रा, ख आ र बुखार। बुखार हो तो डॉक्टर से जांच कराएं। बुखार। अच्छा कमला, अपने पति और माता जी की खूब सेवा करना। हमारी कमला तो लाखों में एक है बहन जी। अजी बहन जी, कमला तो शुरू से ही हीरा थी। बिल्कुल। अच्छा कमल, तुम तो खुद ही समझदार हो, तुमसे क्या कहूँ, कमला का ध्यान रखना। हाँ बहन जी, आपने तो हमारी कमला का जीवन ही सुधार दिया। उसे विद्या दी है आपने। आप शिक्षा को इतना महत्व देती है? अरे कमला को देखने के बाद कौन नहीं देगा भला। ये तो मैं तब मानूंगी जब आप स्कूल आना शुरू करें। भैया मेरी उम्र की और है। आप आइए तो सही, इसमें क्या है। अच्छा अच्छा तो आऊंगी। वैसे कमला पढ़ गई, कमल पढ़ गया, तो मैं क्यों अनपढ़ हूँ। आऊंगी बहन जी, जरूर आऊंगी। जरूर। हाँ बहन जी, कल हम अपने नए कारखाने में जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इसका उद्घाटन एक औरत ही करे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर आप आओगी ना उद्घाटन करने। नहीं कमला, इसका उद्घाटन तो ऐसी औरत को करना चाहिए जिसने बचपन से लेकर अब तक खूब मेहनत की हो। भैया तुम मेरे को चिट्ठी लिखोगी ना। कठपुतली का तमाशा तो सबने देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है ना। कठपुतली, क ठ प छोटे ऊ की मात्रा, त ल बड़ी ई की मात्रा, कठपुतली। प छोटे ऊ की मात्रा, पु ल पुल। नदी के इस ओर से दूसरी ओर जाने के लिए बनाते हैं पुल। पुल। दा छोटे ऊ की मात्रा, खा दुख। सा छोटे ऊ की मात्रा, खा सुख। बा छोटे ऊ की मात्रा, खा आ का डंडा, रा बुखार। ठ का ठग। ठ अदपा, पा आ का डंडा, ठप्पा। ब बिंदु, ग पड़ों की मात्रा, ठ बड़ी की मात्रा, अंगूठी। चलते जाना है।
है।